हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक केस के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि रियलमी C12 में आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी के वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें किसी भी ऐप में चले जाना है जहाँ पर भी आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट क्रिएट करना चाहते हैं। मैं फ़िलहाल सेटिंग्स में चले जाता हूँ, यहाँ पर मैं पूरी सेटिंग्स को कैप्चर कर लूँगा। तो फिलहाल हम नॉर्मल स्क्रीनशॉट क्रिएट करेंगे। जैसे नॉर्मल स्क्रीनशॉट हम लेते हैं, वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन्स को एक साथ प्रेस करेंगे और ये स्क्रीनशॉट कैप्चर यहाँ पर हो चुका है। आप देखते हैं, सिंपली हम इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे स्क्रीनशॉट पर। और यहाँ पर आप देखते हैं ऑप्शन है स्क्रॉल, यहाँ पर ऑप्शन है स्क्रॉल की, तो हमें इस पर क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिक ऊपर तक स्क्रॉल होता जाएगा। जहाँ पर भी आपको, जहाँ तक भी आपका स्क्रीनशॉट लेना है, आप डन पर क्लिक कर देंगे और ये आपका स्क्रीनशॉट क्रिएट हो जाएगा। अब मैं डन पर क्लिक कर देता हूँ और ये देख सकते हैं ये स्क्रीनशॉट क्रिएट हो चुका है, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर शेयर, एडिट और डिलीट, आप तीनों ऑप्शन में से जो चाहें कर सकते हैं। मैं डिलीट करके दिखाता हूँ, यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करेंगे, डिलीट स्क्रीनशॉट, तो मैंने ये स्क्रीनशॉट डिलीट कर दिया है। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे, स्क्रीनशॉट क्रिएट करेंगे और ये ऐसे आपका स्क्रीनशॉट क्रिएट करना है। इस पर क्लिक करना है, स्क्रीन ये जो है साइड में, इस पर क्लिक करना है और ये आप यहाँ से लॉन्ग स्क्रीनशॉट क्रिएट कर सकते हैं।